नमस्कार भाई, स्वागत है आपका अपना YouTube परिवार इजूजोन में। भाई जैसे पता है कि नोटिस तो आ ही चुका है, 15 अप्रैल से दौड़ हम लोगों का स्टार्ट है जीडी वाला। तो कहीं ना कहीं अब 15 दिन ही समय मिला है, तो कैसे दौड़े? एक किलोमीटर दौड़ने के बाद सांस फूल रहा है, जैसे हम लोग भी अभी 5 किलोमीटर पूरा किए हैं वो भी टाइमिंग के साथ। तो किस तरह से हमारी रणनीति रहती है, क्योंकि हमारे बीच है PET PST बोथ क्वालिफाइड मेरे भाई, जिन्होंने PST और PET को दोनों को क्वालिफाई किया था। तो आइए जानते हैं रमन भाई से कि सांस अगर फूल रहा है तो उस समय क्या करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए अब तो समय नहीं है, बहुत कम समय है रनिंग में, अब 12 दिन 11 दिन बचा हुआ है। एक दिन पहले सेंटर के लिए भी निकलना पड़ेगा, और आज रिजल्ट आने का भी सुन रहे हैं कि आज रिजल्ट आने का संभावना है, लेकिन ये रिजल्ट को तो आने में बहुत देर लगेगा। 31 मार्च से ही हमको इंतज़ार था, अभी तक देखने को नहीं मिला है। खैर देखिए, जब आए रिजल्ट 15 अप्रैल से PT PST होना है, पवन भैया जैसे बता ही दिए हैं। तो इतना कम समय में रनिंग कैसे हो, सांस कैसे बंधे रमन भैया ये बताइए, सांस कैसे बंधा जाए? देखिए अभी जो इतना कम समय में आपको दो टाइम दौड़ना होगा, समझे जी? दो टाइम में, एक सुबह में तो एक टाइम कोई भी टाइम में फिनिशिंग दीजिए या रोड रनिंग कीजिए, और एक टाइम आप जितना हो सके 4 किलोमीटर दौड़ पाते हैं 4 किलोमीटर दौड़िए, लेकिन स्टेप में दौड़िए। थोड़ा स्टेप में दौड़ने से होता है क्या कि आपका पैर लंबा खिंचाएगा और आपको दौड़ने में थोड़ा समय कम लगेगा, और यदि आपका सांस फूल रहा है उसमें थोड़ा दूर आपको फास्ट जाना है, स्टेप में जाना है, थोड़ा रुक जाना है या धीरे से जाना है, फिर थोड़ा फास्ट जाना है। ऐसा करके यदि आप डेली में 4-5 राउंड लगाते हैं तो यकीन मानिए आप 4 से 5 दिन में, यानी कि आज 3 तारीख है ना, 7-8 तारीख तक आपका कंफर्म है कि आपका सांस फूलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए हम लोगों का जो ग्रुप है ना, वह सफल और असफल दोनों का है। हम लोग भी उस रस्सी को अपने आँखों से उठते हुए देखे हैं, जिसको पार करने के बाद हम लोग भी सफल हो जाते। तो कहीं ना कहीं सफल जो नीति बना रहे हैं उनको अपनाकर हम अपने रनिंग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो रमन भाई से सीख सकते हैं, और कहाँ गलती नहीं करना चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। हमारे भाई जो अनुज है ये भी आपको बता देंगे। बताइए अनुज भैया, कहाँ गलती कर रहे थे हम लोग पिछले साल, जो हम लोग अनक्वालिफाइड रह चुके थे? हम लोग दौड़ने पे ध्यान देते थे, लेकिन किस तरह दौड़ना है उस पर ध्यान नहीं देते थे। हमें सिर्फ दौड़ना आता था, दौड़ने का जो ट्रिक होता है जिससे कि हम अच्छे टाइम कम समय में कम थके हुए अच्छे दौड़ को प्राप्त कर लें, वो नहीं आता था हमें, तो उसके लिए हम लोग असफल रहे थे। तो इस बार जैसा कि बता रहे हैं रमन भैया हमारे, कि दौड़ने का बहुत सारा ट्रिक होता है, जिसमें एक होता है यदि आप कभी सांस फूल रहा है तो आप थोड़ा देर स्लो दौड़िए, हल्का सा 100 मीटर 200 मीटर आप सांस को रोकने के लिए अपना स्पीड कम कर लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने चाल में, पुराने चाल में आके टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से दौड़ सकते हैं। और हाँ, अंत के लिए आप थोड़ा एनर्जी बचा के रखें ताकि अंत में कम समय रहे तो अच्छे से दौड़ के आप वहाँ तक पहुँच सकें। एक बात जानते हैं पवन भैया? जी जी जी। बहुत लोग बोलता है ना कि ये खाना है वो खाना है, अदरक प्याज जी, बिल्कुल डाइट खाना है, कुछ खाना ही नहीं है जी जी जी। हम लोग गांव से आए हुए हैं ना जी, दहाड़ देंगे दहाड़ देंगे, शरीर लगा देना, शरीर में एनर्जी का कमी है ही नहीं जी जी। बस डेली दाल खाइए, साग खाइए, सही है सही है, हमको जहाँ तक लग रहा है चना खूब खाइए, चना खाइए, सांस को बांध के रखेगा आपका, ठीक है उसके। हाँ, चना का पानी सुबह भी पीने से भी सांस, अनुज भैया आपको बताए थे तो रमन भैया पिछली बार भी बोले थे चना का पानी मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, फिर भी रमन टेस्ट तो बड़ा खराब लगेगा, लेकिन रमन भैया चना का पानी पीने से अप्लाई करके दौड़ पास किए, सांस पे कंट्रोल होता है। हाँ, फिर डाइट के बारे में बता रहे थे, तो 2-3 डाइट मात्र लेना है, अंडा खाना है, केला कच्चा अंडा पी सकते हैं, तो वो भी, वो तो सोना में सुहागा हो गया जी, नहीं तो बॉयल आप ले सकते हैं, खराब टेस्ट होता है। हाँ, टेस्ट उसका थोड़ा खराब होता है। और दूध लेना है बस, खजूर वगैरह और कुछ नहीं, गांव घर से आए हुए हैं इतना तो इनफ है, देखिए वाला शक्ति आ जाएगा इतना करने के बाद शरीर में, और हमको नहीं लगता है कुछ, देखिए क्या होता है, लगे रहिए। लेकिन वैसे पवन भैया को भी अच्छी जानकारी इस बारे में बता सकते हैं, वो भी अच्छे से। देखिए भाई, अब जब भी YouTube पे इस टाइप की वीडियो को आप खोल ढूंढेंगे ना, भसड़ मची हुई इस टाइप की वीडियो के लिए, डाइट के लिए 15-20 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है। हाँ। हम लोग उस चीज को फॉलो, मार्केटिंग है वो, मार्केटिंग है, उन चीजों पे ध्यान मत रखिए, एकदम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं सब, एकदम जमीनी बात बताएंगे।
और जो हम लोग अपने जीवन में अपनाकर भैया का नीति अपनाकर हम अपने आपके रन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे हमारे माध्यम से इस यूट्यूब के माध्यम से रणनीति को अपनाइए और उसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कीजिए, निश्चित दौड़ बनेगा। जैसा कि पहला वीडियो में रमन भाई बताए थे, हम भी दौड़ेंगे, आपको भी दौड़ाएंगे, सबका सिलेक्शन होगा, दोनों का सिलेक्शन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको रणनीति के साथ साथ एकदम जबरदस्त डाइट का भी प्लान बताया हुआ है। जय हिंद, जय हिंद।